हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये वीडियो आपके लिए स्पॉन्सर किया है Movavi वीडियो एडिटर ने, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप की फ्रेम एनिमेशन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से Movavi वीडियो एडिटर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये जो आपने एनिमेशन देखा है, लाइक आइकन आ रहा है, सब्सक्राइब बटन आ रहा है और शेयर आइकन आ रहा है, बेल आइकन भी आ रहा है, ये किस तरह से एनिमेट होकर के आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं इस तरह का एनिमेशन बनाकर दिखाऊंगा Movavi वीडियो एडिटर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में ये एक वीडियो फाइल मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ और इसके ऊपर हम कुछ स्टिकर या PNG फाइलों को एनिमेट करेंगे। आप इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्टिकर्स दिए हुए हैं उनको एनिमेट कर सकते हैं और आप अपनी कोई दूसरी JPG फोटो, वीडियो या PNG फोटो है तो उनको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। मैं दोनों का ही एग्जाम्पल बताऊंगा, PNG का भी और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्टिकर्स है उनका भी। तो पहले देखिए किस तरह से स्टिकर को हम एनिमेट कर सकते हैं। देखिए, इस साइड में स्टिकर है इस टैब के अंदर और यहाँ पर एक स्टिकर है थम्स अप का। खूब सारे स्टिकर है, मैं ये वाला ले लेता हूं, यहां पर लेके आ जाएंगे और ये इस टैग के ऊपर यहां पर आ गया है। आप लेके आएंगे, उसके बाद में ये छोटा या बड़ा करने का जस्ट आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इस फ्रेम से बाहर इसको रख लेता हूं, साइज इसकी थोड़ी सी छोटी कर देता हूं। मान लीजिए कि मैंने ये साइज इसकी रखी, अप्लाई कर देंगे और ये इसके बाहर आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन बनाना है। एनिमेशन बनाने के लिए आप जाएंगे एनिमेशन के अंदर, इस टैब के अंदर जैसे जाएंगे और फिर आप इसके बीच में कहीं पर भी आ जाएंगे स्टिकर के और एड एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दो की फ्रेम बन जाएंगे, ये की फ्रेम, ये दूसरा की फ्रेम। सेकंड वाला जो की फ्रेम है इसको आप जैसे जैसे इधर लेंगे तो वो जो आपका थम्स अप था वो इस साइड के अंदर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप जैसे इसको प्ले करेंगे, देखिए लाइक जो आपका स्टिकर है वो इस साइड के अंदर जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इनकी दूरी बढ़ा सकते हैं, मतलब एक स्टार्टिंग में यहाँ पर रख दिया और एंड वाला आपने यहाँ पर रख दिया और फिर इस तरह से अगर आप प्ले करेंगे तो देखिए, इसको म्यूट कर देता हूं मैं वॉइस को, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर चल के जा रहा है। तो ये बन गया यहाँ पर एनिमेशन। इसी के अंदर राइट क्लिक करके एडिट की फ्रेम करेंगे तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं एक तो इसकी, जिससे ज्यादा अच्छा लगेगा, और इसका एंगल हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, माइनस के अंदर कर देते हैं और स्टार्टिंग के अंदर इसका थोड़ा सा एंगल प्लस के अंदर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। इस तरह से कर दिया। अब जैसे ही आप प्ले करेंगे तो ये आइकन जो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब आपको एक से ज्यादा अगर इसी को बनाने हैं तो इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं और ये दो तैयार हो गए। अब इसी तरह से अगर आप प्ले करेंगे तो एक साथ ये दो चले जाएंगे और इसी तरह से अगर आप Ctrl+C और V करेंगे तीन बनाएंगे और आप इनकी पोजीशन चेंज, जगह चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद में इसको मान लीजिए आप पकड़ के नीचे की साइड में यहां पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से निकलेंगे, एक नीचे की साइड से निकल गया और सेम इसी तरह से मान लीजिए आप Ctrl+C और इसको V करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे और इसकी पोजीशन आप यहां रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। और अब आप जैसे प्ले करेंगे तो ये इस तरह से निकल करके जाएंगे। तो ये तो हमने इस तरह से स्टिकर से बना लिया। देखा आपने, इस तरह से हमने स्टिकर्स को एनिमेट कर दिया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप अपनी खुद की PNG फोटो को इसके अंदर एनिमेट कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं PNG फोटो से। मेरे पास में एक यहाँ पर कई सारी फोटो है तो ये बेल आइकन वाली ये मैं ले लेता हूँ, PNG फोटो है हमारे पास में, ये यहाँ ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर देंगे, ठीक है। ट्रैक अगर ये ऐड नहीं है तो आप यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके ट्रैक ऐड कर सकते हैं, ऐड वीडियो ट्रैक, ये आ गई। अब इसको डबल क्लिक करेंगे आप और उसके बाद में इसको छोटा कर लेंगे और आप इसको बाहर की साइड में यहां पर रख देंगे कि भाई मुझे यहां रखना है, एक बार दिखाई नहीं देना चाहिए। इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेंगे और उसके बाद में यहां पर की फ्रेम बनाने के लिए इसके अंदर जाएंगे, टैब के अंदर ऐड की एनिमेशन, ऑटोमेटिक यहाँ पर दो की फ्रेम बन गए। सेकंड वाला जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इस साइड में, बाहर की साइड में यहाँ पर रख देंगे और साथ ही हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे और एंगल क्या है इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चेंज कर देंगे। स्टार्टिंग का जो की फ्रेम है सेम उसके ऊपर भी आएंगे और थोड़ा सा इसका भी एंगल इस तरह से चेंज कर देंगे और इसकी फ्रेम को पकड़ करके आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इसको एंड में रखेंगे और उसके बाद जैसे ही आप प्ले करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से बेल आइकन जो है वो चला जाएगा और इसके अंदर अगर आप ज्यादा एंगल चेंज करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने कर दिया, अब Ctrl+C और V करते जाएंगे तो एक से ज्यादा ये बन जाएंगे। अब जैसे कि दो हो गए तो इस की फ्रेम के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट की फ्रेम करेंगे और इसको आप पकड़ करके थोड़ा सा ऊपर के साइड में लेके जा सकते हैं, Ctrl+C और V कर देंगे और वापस इसके ऊपर एडिट की फ्रेम करेंगे
और इसको यहाँ नीचे की साइड में लेकर के आ जाएंगे। जैसे आप प्ले करेंगे तो देखिए अलग अलग जगह से कुछ इस तरह से बेल आइकन्स निकल के आ जाएंगे और यहाँ पर एक से ज्यादा आप खूब सारे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ये प्रोजेक्ट के अंदर तैयार किए हुए हैं ये प्रोजेक्ट, तो ये देखिए इसी तरह से मैंने बनाते हुए यहाँ पर बनाया है। तो आपको प्ले करके अगर मैं दिखाऊं ये सारे स्टिकर्स और जो पीएनजी फोटोज है वो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग में जो आपने देखी थी सेम वही है और आप बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से इसके अंदर की फ्रेम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर की फ्रेम एनिमेशन किया। दोस्तों अगर आप एमओवी एवीए वीडियो एडिटर पूरा का पूरा सीखना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि जिसके अंदर मैंने बताया इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में मैंने बताया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आई के ऊपर क्लिक करके यहां से भी आप उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं और पूरा का पूरा एमओवी एवीए वीडियो एडिटर सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।